का मोटिव है कि हम जैसे पढ़ रहे हैं, नॉर्मल बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, तो ये विजुअली इम्पैक्ट बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ओके जैसे बाकी गांव में होता है कि इनको घर पे रखा जाता है, घर पे बैठा दिया जाता है, तो ऐसा ना हो, उनको भी आगे के लिए एजुकेशन मिले कि ये भी जैसे लुईस ब्रेल, उन्होंने ब्रेल का आविष्कार किया, तो ऐसे ही बहुत लोग हैं ना कि घर पे ही बैठे हैं, अपने माँ बाप उनके वो कहते हैं धार जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं। दिल्ली में इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर रखा है, अब कोई बैंक में नौकरी कर रहा है, कोई आर्मी कैंटीन्स में है, राइट बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे भी है। हमारे हाँ। यहाँ से भी एक वो है, वो अभी मैनेजर है आरबीआई के, आरबीआई के मैनेजर हैं, ग्रेट। तो वो यहीं से आपके उससे अरे क्या नाम है आपके एनजीओ का सर? उजाला सोसाइटी। उजाला सोसाइटी, एक्चुअली मैं मतलब इतने देख, तो अभी जो ये सर कह रहे थे कि क्लास चल रही है, तो इनकी भी क्लास मतलब किसी ना किसी चीज की, ऑलमोस्ट सबकी किसी ना, अभी जो हिंदू राव जेएनयू ये सब में स्टूडेंट्स हमारे, ये हमारे 70-80 से ग्रेजुएशन वाले भाई है। अच्छा ये बताए, ऑब्वियसली ये है कि जब तक हमने सोचा है तब तक कुछ भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ से रहा लड़की का, उसके बाद जो है अगर कुछ भी सोच ले बंदा है ना, अगर मोटिवेटेड हो तो कर सकता है, और हम बस इनका साथ देते हैं। बट ये भी चीज़ है ना कि आप उस हिसाब से पर्टिकुलर उनको सपोर्ट का, और जैसे अभी कुछ भी है फ्री है, ऑफ कॉस्ट से, अच्छा वो जो रहना फ्री, खाना फ्री, वाईफाई से वाईफाई, जैसे सरकारी हॉस्टलों में होता है, जैसे वो जो आप बता रहे हो, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी पुअर है, तो हम उनकी भी मदद करते हैं, जो हमारी होती है छोड़ के आती है, लेकर आती है, सब सुविधा पिकअप ड्रॉप भी है कॉलेज। ओके।